ये है मशकूर उस्मानी। दरभंगा के जाले से कांग्रेस ने मशकूर को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मशकूर को टिकट मिला तो राजनीति पटना से लेकर दिल्ली तक गर्मा गई। इसकी वजह मशकूर से जुड़ा जिन्ना विवाद है। 2018 में एएमयू छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए मशकूर उस्मानी ने वहां जिन्ना की तस्वीर लगाई थी। अब बीजेपी से लेकर जेडीयू और यहां तक कि टिकट न मिलने से नाराज स्थानीय कांग्रेसी भी मशकूर के जिन्ना विवाद को तूल दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ? पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए, सबको ही जानता है कि देश का विभाजन नेहरू जी और जिन्ना के आपसी कलह के कारण हुआ, लेकिन थे दोनों सौतेले भाई। तो कांग्रेस पार्टी का फिर से सौतेले भाई पे प्यार उभर आया है। जाले के किसी और व्यक्ति को टिकट दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मुझे नहीं देते, किसी और को दे देते। लेकिन जिन्नावादी आदमी को फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, केस हुआ है उस पर, अभी भी केस हुआ हुआ, बेल पे है वो आदमी। और मदन मोहन झा बोलते हैं कि सोनिया जी के कहने पे टिकट मिला। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है। जिन्नावादी मत बनाइए इसको। हालांकि छात्र नेता से नेता बने मशकूर उस्मानी अब एएमयू कंट्रोवर्सी से बचते दिखाई दे रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट मेरा दिखा दीजिए कि मैंने समर्थन किया। तो भाई, सब चीज आजकल सबके सामने है, कोई छुपा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं जान रहे, मेरा विरोध करे तो मुझे जान रहे होंगे। मेरा कोई एक स्टेटमेंट समर्थन में आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूं। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। अब मशकूर के जिन्ना विवाद पर जवाब महागठबंधन को देना है, क्योंकि वो इससे बच नहीं सकते। जिन्ना विवाद इसलिए भी तूल पकड़ सकता है क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले ही आतंकवाद के बहाने महागठबंधन को घेरने का जाल फेंक चुके हैं। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी और कश्मीर से जिस आतंकवाद को सफाया कर रहे हो, बिहार का पटना ले लेगा। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।